बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो लेकिन सुर्खियों में बनी रहती। ट्विंकल खन्ना ने अपने दौर में कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। वही हाल में ट्विंकल खन्ना ने अपनी एक फिल्म से जुड़ी ऐसी घटना को याद किया जिसमें एक निर्देशक चाहता था कि वह बारिश के दृश्यों के दौरान ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने और बोल्ड दिखे। दरअसल एक यूट्यूब चैनल पर साझा की गई वहीदा रहमान के साथ एक बातचीत में ट्विंकल खन्ना ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करते हुए खुलासा किया। ट्विंकल खन्ना ने कहा, मैंने एक सफेद कुर्ता पहन रखा था और बारिश में फिल्माए गए एक गाने के लिए तैयार थी। तभी डायरेक्टर गुरुदत्त की नकल करते हुए एक शॉल लपटे हुए आया और कहा, अगर मैं आपसे फिल्म राम तेरे गंगा मैली में मंदाकिनी वाला पानी में भीगने वाला सीन करने को कहूँ तो आप क्या कहेंगे? फिर ट्विंकल ने कहा, मैं दो बातें कहूंगी, पहले तो मैं ना कहूंगी और दूसरा तुम राज कपूर नहीं हो। ट्विंकल खन्ना ने आगे कहा, इसके बाद उस डायरेक्टर ने मुझसे कभी बात नहीं की और उसने मुझे कभी दोबारा कास्ट नहीं किया। ये काफी भयानक था। ये घटना उनकी फिल्म मेला की थी जिसमें ट्विंकल खन्ना ने एक बारिश के गाने पर डांस किया था जहां उन्होंने एक सफेद कुर्ता भी पहना हुआ है। फिल्म मेला के डायरेक्टर थे धर्मेंद्र दर्शन। वैसे देखा जाए तो ट्विंकल खन्ना की मां डिंपल कपाड़िया ने राज खन्ना से अलगाव के बाद फिल्मी दुनिया में बतौर अभिनेत्री सफलता हासिल करने के लिए कई फिल्मों में सेक्सी हॉट एंड बोल्ड किरदार निभाए, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में सफलता अर्जित करने के लिए कभी भी सेक्सी और बोल्ड किरदार नहीं निभाए। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।